तो आज हम करेंगे कला, चित्रकला, कलाकार, वास्तुकला और हस्तकला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है किस जिले का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है, सबको पता है चंबा है और चंबा जिले का है, ठीक है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किसकी मूर्ति स्थापित है, तो यहाँ पर है आपकी वो सामने अवलोकितेश्वर की, अवलोकितेश्वर की मूर्ति है कांगड़ा जिले में स्थापित। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके काल में अपने चरम चरम पर पहुंची थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बसोली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है किसके काल में अपने चरम पर पहुंची थी, तो राजा कृपाल, कृपाल है ना, राजा कृपाल है ना, ये इनका जो ड्यूरेशन था वो था 1678 से लेके 1694 AD एनो डोमिनी। फिर है आपका पहाड़ी चित्रकला क्या है, पहाड़ी चित्रकला है आपकी एक भित्ति चित्र, मनुस्मृति, मिनिएचर पेंटिंग का मिश्रण, ठीक है। भित्ति चित्र होता है मतलब जो वॉल पे जो चित्रकला होती है, ठीक है, और मिनिएचर, मिनिएचर पेंटिंग मतलब जो मतलब सूक्ष्म छोटी पेंटिंग होती है, मतलब मिनिएचर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर। फिर है स्वर्गीय चंदूलाल रैना कौन थे, तो ये चित्रकार, चित्रकार थे कांगड़ा, कांगड़ा चित्रकला से संबंधित थे ये, मतलब स्वर्गीय चंदूलाल रैना जी, ठीक है। फिर है आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का मुख्य विषय क्या था, तो राधा कृष्ण पेंटिंग थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का मुख्य विषय, ठीक है जी। तो आपका अगला है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का मुख्य विषय क्या था, तो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण पेंटिंग है। उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश एकेडमिक ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की स्थापना कब हुई, तो ये 1968 में, ठीक है। दमाल शिमला की दीवारों पर से तोड़ने तोड़ते हिमाचल की, हिमाचल के चित्र का निर्माण किसने किया, तो यह है एन सी सक्सेना जी। गुगा कौन था, गुगा एक मतलब फेमस शिल्पकार था, मतलब है ना सुप्रसिद्ध शिल्पी। तो हिमाचल की सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी है आपकी, ये बसोली, ठीक है। फिर किस जिले की रुमाल कला प्रसिद्ध है, तो चंबा की, ठीक है। पगोड़ा, पगोड़ा शैली भारत से नेपाल के रास्ते चीन गई थी, ठीक है, और अपनी किस पुस्तक में पर्सी ब्राउन ने इसका उल्लेख किया, इंडियन आर्किटेक्चर में किया है पर्सी ब्राउन ने इसका जो मतलब एक्सप्लेन किया है। फिर रणसिंघा का आकार कैसा होता है, रणसिंघा, ठीक है, एस आकार होता है रणसिंघा, ठीक है ना जी। उसके बाद हिमाचल का सर्वप्रथम इंडो आर्यन मतलब हिंद आर्यों कला से कितने, एक किसने परिचित कराया है ना, इंडो आर्यन कला से किसने परिचित कराया, तो आंसर दिया यहाँ पे भाई अशोका ने, ठीक है, अशोक जी का, द ग्रेट अशोका। किसके अनुसार अशोक का पोंटा घाटी में बने दूसरे स्तूप का, स्तूप को दिल्ली के फिरोजा कोटला, कोटला में फिरोजा तुगलक लेकर गया, ठीक है, कनिंगम के अनुसार भाई, जो मतलब पोंटा घाटी में जो अशोक का जो स्तूप था ना बना, वो फिरोजा कोटला ले गया, कौन ले गया, फिरोजा तुगलक ले गया, और ये बात बोली है कनिंगम ने उसके अकॉर्डिंग ये। और विभाजन से पहले फतेहपुर मतलब नूरपुर में कांसे की एक बौद्ध मूर्ति पाई गई, जो अब कहाँ पर रखी गई, तो लाहौर संग्रहालय में जी है। कुषाण काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी, तो कुषाण काल में आपकी यूनानी गांधार कला प्रसिद्ध थी, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी, तो इसका आंसर होगा आपका नागर कला, नागर कला जो है गुप्त काल में प्रसिद्ध थी, ठीक है। उसके बाद है आपका महाराजा रंजीत, सॉरी संसार चंद कला गलियारा कहाँ प्रसिद्ध था, धर्मशाला में है ना, ये जो है संसार चंद कला गलियारा कहाँ पर है, धर्मशाला में, ठीक है। कांगड़ा राज्यों से टूटकर बने किस पहाड़ी चित्रकला को अधिकांश कलमों में, एक अधिकांश कलमों का जनक माना जाता है, गुलेर कलम को, ठीक है। और नादिर शाह के आक्रमण के समय गुलेर के किस शासक ने कलाकारों को शरण दी, तो राजा गोवर्धन चंद जी, जिनका ड्यूरेशन था 1744 लेके 1773 तक। तो इन्होंने जो है नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है गुलेर के शासक को, गुलेर के मतलब गुलेर के कलाकारों को जो है शरण दी थी, मतलब गुलेर का शासक कौन था, राजा गोवर्धन चंद, ठीक है। फिर 19वीं सदी के कुरुक्षेत्र युद्ध पर बने रुमाल को किसने ब्रिटिश रेजिडेंस को भेंट किया, तो आंसर है ये किसने, जो अब अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, राजा गोपाल सिंह ने दिया था ये रुमाल है ना, ठीक है। और रणसिंघा कर्नल नफीरी दमामा बाण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाद्य यंत्र है सारे, मतलब बजाने वाले जो है ना यंत्र, इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे इनको, तो रणसिंघा करनाल नफीरी दमामा और भाण, वो नहीं सुना आपने गाना, बाजी जान दो मामा भाण वाला, तो वही भाणा है, ये दोनों दोनों तरफ ठंड ठंड करके बजाते हैं इसको, इसको कुछ और ही बोलते हैं है ना, वही भाणा है। तो अर्लीस्ट हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग कहाँ पर है, सुजानपुर टीरा, नहीं 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 ये बसोली, बसोली पेंटिंग जो है, बसोली स्कूल पेंटिंग राजा कृपाल के द्वारा मतलब इसको प्रमोट किया गया 1674 से 1694 तक, इनका ड्यूरेशन है राजा कृपाल का 1674 से लेकर 1694, ठीक है। तो अर्ली हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग है। तो उसके बाद है आपका कांगड़ा स्कूल का पूर्ण विकास कब हुआ, कांगड़ा स्कूल का पूर्ण विकास हुआ सुजानपुर टीरा संसार चंद्रा, ठीक है। और कांगड़ा के चित्र, चित्रकार फत्तू, फत्तू के चित्र, ठीक है, उसमें क्या दिखाया हुआ, सत्सई धारा है, रंगमाला है, चंबा ग्राम बरमाला है, ठीक है। फिर शुभ सिंह आर्ट गैलरी के चित्र क्या, हीर राजा, सोनी भाईवाल, उमर खयाम की रुबाइयाँ, ठीक है। फिर सेऊ कौन था, सेऊ कौन है, तो गुलेर चित्रकार, गुलेर चित्र शैली का चित्रकार सेऊ। उसके बाद फत्तू के पिता मानक चंद मनकू किस राजा के दरबार में चित्रकार था, तो संसार चंद के दरबार में चित्रकार था, ठीक है। फिर भारतीय तिब्बती कला का विकास है ना, ये कहाँ हुआ, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ठीक है। फिर दीवार चित्रकला के उदाहरण चंबा का रंग महल और सुजानपुर टीरा का महल, ठीक है, इसके उदाहरण, ठीक है। और उसके बाद है आपका ये कौन सा किया मैंने, कांगड़ा कला शैली के उदाहरण, कांगड़ा कला शैली के उदाहरण है लघु चित्रकला, दीवार चित्रकला, पांडुलिपि चित्रकला, ठीक है। उसके बाद है आपका
पांडु चित्रकला का आधार क्या है? भागवत पुराण, महाभारत और रामायण। फिर शिखर शैली के मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, शीतला देवी मंदिर, ठीक है। और उसके बाद है आपका शिखर शैली के मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर और शीतला देवी मंदिर, ठीक है। और उसके बाद है नगर कला शैली का विकास गुप्त काल में हुआ, ठीक है। नगर कला शैली का विकास गुप्त काल में हुआ। अच्छा, आगे है आपका भारतीय और आर्य कला सबसे पहले कुल्लू में उपयोग की गई, मतलब अशोका द्वारा 200 से 300 BC के टाइम में, है ना। तो मुखौटा क्या है? मुखौटा आपका धातु कला शैली। अरे ये क्या है मुखौटा? मुखौटा धातु कला शैली है मुखौटा। और आगे कांगड़ा शैली चित्रकला सक्रिय थी हमीरपुर के सुजानपुर टीरा में, ठीक है। फिर बसोली चित्रकला आई जम्मू में, बसोली चित्रकला आई जम्मू में। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश की प्राचीन चित्रकला शैली, है ना, बसोली चित्रकला सबसे प्राचीन है। नागर कला का मंदिर है मसरूर मंदिर, ठीक है। फिर है रुमाल कला, ये आपका रुमाल कला में आपका कढ़ाई, ठीक है, चंबा में। फिर है नागर शैली की विशेषता, ये आपके पत्थर की नक्काशी, है ना, नागर कला। फिर उसका पैगोड़ा शैली की विशेषता, लकड़ी से बने मंदिर की छतें, स्लेटों से ढकी मंडी, है ना, और कुल्लू किन्नौर मंदिर, ठीक है, स्लेटों से ढके, ठीक है। उसके बाद है आपका लाल लाल रंग प्रेम, पीला रंग बसंत, नीला रंग बादल एवं वर्षा के प्रतीक है। तो ये कौन से इसमें? ये बसोली कलम द्वारा, ये मतलब कलम का ये, ठीक है, बसोली कलम। फिर अर्की कला शैली किस रियासत में फली फूली? भागल रियासत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्की कला शैली किस रियासत में फली फूली? भागल रियासत में, ठीक है। सजनू किस रियासत का चित्रकार था? तो कुल्लू रियासत का, ये कुल्लू रियासत का चित्रकार था सजनू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।